शिवसेना भवन पहुंचेगी ये महायात्रा। अपने नेता को अंतिम विदाई देने के लिए उमड़ा जनसैलाब, 15 लाख से भी ज्यादा लोग अंतिम यात्रा में शामिल। राज ठाकरे ने अंतिम महायात्रा बीच में ही छोड़ी, अब सीधे शिवाजी पार्क पहुंचेंगे। राज चाचा को नहीं दिया गंदा। शाम 5 बजे शिवाजी पार्क में रखा जाएगा पार्थिव शरीर, शाम 6 बजे होगा अंतिम संस्कार। और अहमदाबाद टेस्ट मैच में मजबूत स्थिति में भारत, पवेलियन लौटी इंग्लैंड की आधी टीम। नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल वन न्यूज और आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना लोहट। रुक करेंगे खबर की तरफ। बाला साहेब की अंतिम महायात्रा जारी है। अंतिम यात्रा माहिम चर्च पार कर आगे बढ़ रही है और ये यात्रा शिवसेना भवन की तरफ आगे बढ़ रही है। महायात्रा में करीबन 15 लाख लोगों से ज्यादा शामिल हुए हैं और पूरे मुंबई सड़कों पर अपने नेता की अंतिम विदाई पर उन्हें अलविदा करने के लिए ही सड़कों पर उतर आई है। तो करीबन सुबह 9:30 बजे से ही बांद्रा के मातोश्री, जो कि बाला साहेब ठाकरे का बंगला है, वहीं से ये महायात्रा शुरू हुई थी। आपके सामने 6 तस्वीरें हैं बाला साहेब की अंतिम यात्रा की, जिसमें बाल ठाकरे की अंतिम यात्रा जारी है और साथ ही साथ जो शव यात्रा में जन सैलाब उमड़ा है उसकी तस्वीरें मौजूद हैं। और बाला साहेब ठाकरे को जो राजकीय सम्मान दिया गया, उनके शव को जो तिरंगे से लपेटा गया और साथ ही साथ पुलिस की तरफ से सलामी दी गई, वो तस्वीरें आपके सामने मौजूद हैं। शव यात्रा बीच में ही छोड़कर राज ठाकरे चले गए। हालांकि जिस ट्रक में उनका पार्थिव शरीर रखा गया था उस ट्रक पर भी वो नहीं चढ़े और उन्होंने बाला साहेब ठाकरे के अर्थी को कंधा भी नहीं दिया। शिवाजी पार्क में 5 बजे तक अंतिम दर्शनों के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। तो ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम एक साथ। सुबह से ही, सुबह 9:30 बजे से ही मातोश्री से ये अंतिम यात्रा शुरू हो चुकी है और जो जनसैलाब उमड़ा है उसमें कयास ये लगाए जा रहे हैं कि 15 लाख से भी ज्यादा लोग उमड़े हैं अपने नेता को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए। तो ठाकरे को दिया गया है राजकीय सम्मान, तिरंगे में उन्हें उनके पार्थिव शरीर को लपेटा गया और साथ ही साथ पुलिस की तरफ से उन्हें सलामी भी दी गई। और इस शव यात्रा के बीच में ही जो बाला साहेब ठाकरे के भतीजे हैं और मनसे प्रमुख राज ठाकरे घर की तरफ लौट गए और बताया ये जा रहा है कि वे वापस शिवाजी पार्क अंतिम संस्कार के दौरान पहुंचेंगे और 5 बजे तक अंतिम दर्शनों के लिए बाला साहेब ठाकरे के पार्थिव शरीर को शिवाजी पार्क में रखा जाएगा। तो अंतिम महायात्रा जारी है, सुबह से ही माहिम चर्च तक रास्ते को पार कर लिया गया है, दादर पहुंच चुकी है यह अंतिम यात्रा और अंतिम संस्कार में तमाम दिग्गजों के जुटने की पूरी उम्मीद लगाई जा रही है। बताया ये जा रहा है कि बीजेपी के नितिन गडकरी, लाल कृष्ण आडवाणी और जो वरिष्ठ नेता हैं, ये तमाम लोग मौजूद रहेंगे और एनसीपी नेता शरद पवार भी अंतिम संस्कार के समय पर शिवाजी पार्क पर ही नजर आएंगे। तो तमाम दिग्गजों के साथ साथ फिल्मी हस्तियां भी नजर आएंगी और राजनीतिक, बॉलीवुड और खेल जगत की तमाम हस्तियां बाला साहेब ठाकरे को अपनी श्रद्धांजलि, अपने भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के लिए, उन्हें फूल अर्पित करने के लिए तमाम लोग शिवाजी पार्क पहुंचेंगे। करीबन 6 बजे तक अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे का। कल के दिन 3:10 पर उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उसके बाद डॉक्टरों की टीम की तरफ से
ये बता दिया गया कि वे अब हमारे बीच नहीं रहे, और इसी के बाद से ही तमाम शिव सैनिकों में बेहद ज्यादा दुख शोक की लहर दौड़ गई और आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। और जब आज के दिन बाला साहेब ठाकरे के अर्थी को कंधा दे रहे थे उद्धव ठाकरे, उसी दौरान वे फूट फूट कर रोने लगे और उनके बेटे ने उन्हें संभालने की कोशिश की। और उसके बाद जो जनसैलाब देखने को मिल रहा है सड़क पर उस अंतिम महायात्रा में, इससे साफ पता चलता है कि कितना ज्यादा प्रभाव था बाला साहेब ठाकरे का लोगों पर, लोगों की कितनी ज्यादा मदद करते थे, अपनी तरफ से आगे बढ़कर लोगों के साथ नजर आए बाला साहेब ठाकरे। वही आपको बताते चले कि बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिसकी वजह से दिल से जुड़े हुए थे बाला साहेब ठाकरे तमाम मुंबई के लोगों से। आम जनजीवन को प्रभावित करते नजर आए थे, तो बेहद शोकपूर्ण माहौल है, गमगीन माहौल है मुंबई का। आपको बता दे कि मुंबई में बाला साहेब ठाकरे के निधन के बाद से ही सब कुछ रुक गया है। व्यापारिक नगरी कहा जाता है मुंबई को, और सब कुछ रुका हुआ है वहां। 35,000 टैक्सियां रोक दी गई हैं जो बंद है आज, और 90,000 ऑटो बंद हैं, साथ ही साथ तमाम चीजों पर रोक लग गई है। और भाई मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ संवाददाता अयुब शिखासन। अयुब, जानना चाहेंगे वहां का फिलहाल क्या माहौल नजर आ रहा है, और जो अंतिम महायात्रा जारी है वो कहां तक पहुंची है? देखिए, 6 घंटे का समय बीत चुका है, सुबह 9:15 बजे बाला साहेब ठाकरे का पार्थिव शरीर जो है वो मातोश्री बांद्रा इलाके से होते हुए की ओर बढ़ता जा रहा है, और इस समय बाला साहेब ठाकरे की जो यात्रा है अंतिम यात्रा वो लगभग शिवसेना भवन के पास पहुंची है, और शिवसेना भवन से भी शिवाजी पार्क इस मैदान पे आते आते भी लगभग आधे घंटे से अधिक का समय लग जाएगा आने। आप समझ सकते हैं कि लगभग 6.5 घंटे का समय जो है सुबह से लेकर अब तक लग चुका है। विशाल शव यात्रा बाला साहेब ठाकरे की बांद्रा होते हुए माही होते हुए लगातार शिवाजी पार्क इलाके में बढ़ती हुई इस समय लगभग शिवसेना भवन के पास पहुंची हुई। आप देख सकते हैं तालाब जो है मेरे दाई देख सकते हैं कि भारी मात्रा में जनसैलाब मौजूद है। इससे भी अधिक लोग बाला साहेब ठाकरे की जो शव यात्रा निकली हुई है जो शिवाजी पार्क की ओर बढ़ती आ रही है उसमें भी है, उसी के साथ साथ इस मैदान के बाहर भी लगभग इतने ही लोग लाखों की संख्या में यहाँ पर मौजूद है। तो आप समझ सकते हैं जोतना कि कितनी श्रद्धा जो है आम शिवसैनिकों को शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे के प्रति थी। लगभग 6 बजे के दौरान इसी मैदान पर बाला साहेब ठाकरे को मुखाग्नि दी जाएगी। इससे पहले तमाम राजनेता, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता, शिवसेना के नेता, ठाकरे परिवार के लोग इसी मैदान में यहाँ पर मौजूद रहेंगे और अपने नेता को अंतिम विदाई देंगे। लेकिन यहाँ पर जो एक खास बात देखनी होगी कि इन तमाम लोगों को जो है सीधे तौर पर मुख दर्शन मिलेगा, न कि लंबी लंबी कतारें लगाकर लोग बाला साहेब ठाकरे का अंतिम दर्शन ले पाएंगे। जोतना जी बिल्कुल अयुब, साफ तौर पे देखने को मिल रहा है कि जो जन सैलाब उमड़ा है अपने ही नेता के दर्शन करने के लिए उमड़ा है यहाँ पर। लेकिन फिलहाल जानना चाहेंगे जो राजनीतिक परिदृश्य है, और जिस तरह से कहा जा रहा है कि बीजेपी में बेहद ज्यादा शोक की लहर दौड़ गई है क्योंकि शिवसेना के प्रमुख चले गए हैं, और फिलहाल बताया जा रहा है कि जितने भी बड़े राजनीतिज्ञ है वो पहुंचने वाले हैं अंतिम संस्कार से पहले, फिलहाल क्या कुछ देखने को मिल रहा है इसी परिप्रेक्ष्य में? अयुब सुन पा रहे हैं? देखो ज्योतिना, जहाँ तक शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे की बात है, उन्होंने पिछले 45 वर्षों से अलग अलग मुद्दों को लेकर लोगों को इकट्ठा किया था, मराठी भाषियों को, हिंदुत्व के मुद्दों को उठाकर बाला साहेब ठाकरे ने शिवसेना का गठन किया था, और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के साथ साथ अब देश के अन्य राज्यों में भी बाला साहेब के प्रति आम लोगों में विश्वास कायम हो रहा था। उसी की एक मिसाल है
कि आज जिस तरीके से बाला साहब ठाकरे इस दुनिया में नहीं रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके दर्शन लेने के लिए लाखों की तादाद में लोग यहां पर शिवाजी पार्क में पहुंचते हैं। यह ऐतिहासिक मैदान है मुंबई का, जहां पर इससे पहले लगातार दशहरा रैली के माध्यम से बाला साहब ठाकरे ने लोगों को संबोधित किया है, और जिस जगह से बाला साहब ठाकरे दशहरा रैली के माध्यम से अन्य राजनीतिक रैलियों के माध्यम से लोगों को संबोधित कर रहे थे, बिल्कुल उसी जगह पर बाला साहब ठाकरे का पार्थिव शरीर यहां पर रखा जाएगा, जिसके दर्शन जो है लाखों की संख्या में लोग जो यहां पर मौजूद होंगे वो मुख दर्शन लेंगे। साथ ही जो वरिष्ठ नेता अन्य राजनीतिक दलों के नेता जो यहां पर मौजूद रहेंगे वो सीधे तौर पर बाला साहब ठाकरे के दर्शन लेंगे, और तमाम लाखों की संख्या में लोग यहां पर शिवाजी पार्क में बाला साहब ठाकरे को अंतिम विदाई देंगे। बिल्कुल खचाखच भरा हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर शिवाजी पार्क अयूब शिखासन, जो कि देखा ही जा सकता है आपके पीछे की तस्वीरें। जानना चाहेंगे आप, कैमरा को पैन कराइए, और जो पूरा जन सैलाब उमड़ा है सिर्फ बाला साहेब ठाकरे के अंतिम दर्शनों के लिए, उनके पहुंचने से पहले ही वहां पर पहुंचा है, वो तस्वीरें देखना चाहेंगे, अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, अपने कैमरा पर्सन को कहिए कि वो तस्वीरें दिखाए, वो जन सैलाब दिखाए जो सिर्फ अपने सुप्रीमो अपने नेता को देखने के लिए पहुंचा है वहां। देखिए ज्योतिरा, सबसे पहले हम अपने कैमरामैन को रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरे सीधे हाथ पर जिस तरीके का मंच बना हुआ है, जिस पर बाला साहब ठाकरे का पार्थिव शरीर रखा जाएगा, लगभग एक घंटे का समय लगेगा यहां पर पार्थिव शरीर लाने में, उसी के साथ साथ जो है वीआईपी लोग जो होंगे वो सीधे तौर पर उस स्टेज के दाएं ओर बैठेंगे, और बाएं ओर ठाकरे परिवार के लोग मौजूद रहेंगे, और स्टेज के बिल्कुल सामने नीचे बाला साहब ठाकरे को मुखाग्नि दी जाएगी, और उसी के साथ साथ जैसा आपने कहा कि मेरे दाएं ओर यदि आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा जनसैलाब यहां पर मौजूद है, लाखों की संख्या में इस समय लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। हालांकि जिस तरीका ये मैदान है शिवाजी पार्क, उसके बाहर तकरीबन इतने ही लोग मैदान के चारों ओर मौजूद हैं, और वे इंतजार कर रहे हैं कि कब बाला साहब ठाकरे का पार्थिव शरीर यहां पर लाया जाए, और उसके बाद उनका एक झलक, उनके पार्थिव शरीर का एक मुख दर्शन वे ले सके। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि इस मैदान में लगातार इस समय शिवसैनिक और आम मुंबईकर यहां पर लगातार उनका आना शुरू है, और लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। हम आपको यहां पर एक बार और बता दें कि बाला साहब ठाकरे की जो अंतिम यात्रा लगातार जो चल रही है शिवसेना भवन के करीब करीब पहुंची है, उस शव यात्रा के साथ में भी तकरीबन लाखों की संख्या में लोग मौजूद है, कार्यकर्ता मौजूद है, शिवसेना के वरिष्ठ नेता मौजूद है। इसी के अलावा जो मुंबई की सड़कों से बिल्कुल अयोग, हम आपको यहीं पर रोक देना चाहेंगे, फिलहाल हम आपसे एक बार फिर से जुड़ेंगे। आपको बता दें, अपने दर्शकों को बता दें कि जो अंतिम महायात्रा चल रही थी बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना भवन के लिए, वो फिलहाल शिवसेना भवन अब पहुंच चुकी है, और वहां पर महायात्रा के लिए जो पूरा बाल ठाकरे परिवार था साथ ही उनके नजर आ रहा है, और जो पार्थिव शरीर है उसे अंतिम दर्शनों के लिए 5 बजे तक शिवसेना भवन रखा जाएगा, और फिर मुखाग्नि देने के लिए शिवाजी पार्क की तरफ लेकर जाया जाएगा, जहां पर जन सैलाब इंतजार कर रहा है एक बार फिर से अपने नेता के आखिरी बार दर्शन करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात जो नजर आ रही है अयूब, अगर बात कही जाए सबसे, जहां राज ठाकरे नजर आ रहे थे, साथ में नजर आ रहे थे परिवार के, एक के बाद एक जब तबीयत खराब होने की बात सामने आ रही थी बाल ठाकरे की, तब वो नजर आ रहे थे मातोश्री में, और फिलहाल अंतिम यात्रा के दौरान भी थे वो मौजूद, लेकिन माहिम चर्च पर जैसे ही पार किया गया उन्होंने इस महायात्रा को बीच में ही छोड़ दिया। आखिर वजह क्या मानी जा सकती है? देखिए यहाँ पर ज्योत्सना, इन तमाम चीजों पर टिप्पणी करना या उसका विश्लेषण करना उचित नहीं होगा, लेकिन जिस तरीके से सुबह से ही वे शामिल थे पूरी शव यात्रा में, सुबह में मातोश्री में मौजूद थे, उसके बाद लगातार शव यात्रा निकली थी उसके साथ में भी मौजूद थे, लेकिन उसके बाद सीधे तौर पर शिवाजी पार्क में भी क्या तैयारियां हो रही है उसका भी जायजा लेना जरूरी था। हालांकि राज ठाकरे की पत्नी खुद शव यात्रा के साथ में मौजूद है, लेकिन इस समय तरह तरह की विश्लेषण करके अटकलें लगाना इस समय के लिए उचित नहीं होगा, लेकिन जिस तरीके से जो एक रिश्ता है ठाकरे परिवार का वो एक पूरी तरीके से एकजुटता के साथ में पिछले एक सप्ताह भर से या इससे पहले, मानो उद्धव ठाकरे का जब स्वास्थ्य बिगड़ गया था, शिवसेना के कार्यकारी प्रमुख गए उस दौरान भी राज ठाकरे मुंबई के लीलावती अस्पताल में पहुंचे थे, उनका साथ दिया था मातोश्री।